तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो V11 Pro फ़ोन के लिए सैमसंग S10 Plus की थीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, है सैमसंग S10 Plus जो अभी फ़ोन आया है उसकी थीम्स को आप अपने वीवो के किसी भी डिवाइस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं गाइज। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं थीम्स को रिव्यू करके करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अप्लाई कर दिए मैंने, अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं सेम टू सेम आपको सैमसंग S10 Plus के जैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ गाइज आपको जो आइकन है वो आपको टोटली सैमसंग S10 Plus के जैसे मिल जाएंगे। डायलर आपका पूरे तरीके से चेंजेस हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके साथ गाइज आपकी बैटरी जो है बैटरी पूरी बदल जाएगी और जो नोटिफिक शॉर्टकट सेंटर है वो टोटली चेंजेस हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं गाइज इसके नोटिफिकेशन पैनल की, वो पूरी तरीके से आपका चेंजेस हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ गाइज सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स भी आपकी टोटली चेंजेस हो जाएगी, देख सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। म्यूजिक प्लेयर हो आपका वो टोटली चेंजेस हो जाएगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको चेंजेस मिल जाएंगी, तो इतनी सारी चीज़ें आपको चेंजेस मिल जाएंगी। लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन भी आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, देख सकते हैं। इस टाइप की कुछ लॉक स्क्रीन मिलेगी सैमसंग वाली, तो इस टाइप की मतलब की सारी चीज़ें आपकी चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा थीम्स का और फाइल मैनेजर का, दोनों डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और आपको अप्लाई करना आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो गाइज आपको लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का जिसपे लिखा होगा कि कैसे अप्लाई करें थीम्स को। तो गाइज वो वीडियो आप देख लें 1-1.5 मिनट की है और उसमें मैंने सिर्फ अप्लाई करना बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।